नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट साइंस का जूनियर लेवल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग जो है सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो प्लैनेट है हमारे सौर परिवार में जिनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सन के अराउंड पृथ्वी के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से कम है, लेकिन उनका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो अर्थ के कंपेयर ज्यादा है उनका पीरियड ऑफ रोटेशन, तो ऐसे ग्रह के नाम बताओ। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो मरकरी जिसे बुध कहते हैं, इसका सूर्य के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन होता है वो कितने दिन का है? वो 88 दिन का है। जबकि वीनस जिसे हम शुक्र कहते हैं, इसका जो है रिवॉल्यूशन कितना है? इसका रिवॉल्यूशन 225 दिन है सूर्य के चारों ओर। जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन कितना है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन है 365 दिन। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा इन दो ग्रहों का क्या है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से कम है, जबकि इनका जो अपने अक्ष पे क्या है पीरियड ऑफ रोटेशन, अपने अक्ष पे कितना है पीरियड ऑफ रोटेशन? बुध का है दोस्तों, बुध का है 58 दिन, 58 दिन 15 घंटे और 36 मिनट, 36 मिनट। जबकि शुक्र का कितना है अपने अक्ष पे पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? शुक्र का 243 दिन। और पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे पीरियड ऑफ रोटेशन 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इन दो ग्रहों का पीरियड ऑफ रोटेशन जो है पृथ्वी के पीरियड ऑफ रोटेशन से ज्यादा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसे दो ग्रह हैं मरकरी और वीनस, जिसे बुध और शुक्र ग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है सल्फर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है सल्फर का 113 दिया हुआ है और एल्यूमिनियम का 666 दिया हुआ है और आयरन का दिया हुआ है 1535। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सॉलिड होगा 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों, 200 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होने के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? इनका मेल्टिंग पॉइंट 200 से अधिक होना चाहिए। तो 200 से अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका है? 200 से अधिक मेल्टिंग पॉइंट केवल एल्यूमिनियम और आयरन का है, इसलिए एल्यूमिनियम और आयरन ही जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होंगे। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें तीनों दे रखा है, इसमें एक, इसमें भी एक, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इसमें एल्युमिनियम और आयरन दिया है, सॉलिड होगा 200 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सेटअप इस तरह से किया गया है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो बल्ब B1 से कनेक्टेड है, उसके बाद वो किससे कनेक्टेड है? रजिस्टर R से कनेक्टेड है, उसके बाद वो किससे कनेक्टेड है? B2 से, और B2 फाइनली किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि यदि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा? तो हम दोस्तों पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये मान लो क्या है, ये बल्ब B1 है, ये किससे जुड़ा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस R से जुड़ा है, इसके बाद ये बल्ब B2 से जुड़ा है, B2 इसके बाद किससे जुड़ा है दोस्तों? V2 जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये B2 है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है। अब बोल रहा है कि यदि R को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? चूंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं B समानुपाती होता है I के, या हम कह सकते हैं B बराबर IR। अगर हम R इंक्रीज करेंगे तो जो इनका विभवांतर है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, वो विभवांतर इनका इंक्रीज होगा। लेकिन लेकिन इनका जो
ग्लो कर रहा है दीप्त, उस पे कोई भी असर नहीं आएगा क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, दोनों जैसे ग्लो कर रहे थे उसी रेट से ग्लो करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। तो स्टेटमेंट ये दे रहा है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज कितना होता है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, हमने इसको थ्योरी में बताया भी था और ये भी बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं, ये दे रहा है रेंज लैबोरेटरी थर्मामीटर का 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये रॉन्ग है, इसका रेंज होता है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ माइनस होता तो ये ऑप्शन बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता। तो दोस्तों हमारा बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है इंडिया में जो सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो पुरी है, पुरी ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है, जो बंगाल की खाड़ी के पास है ये कहाँ है? पुरी जो है उड़ीसा राज्य में है, ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। बाकी अमृतसर, उदयपुर और बद्रीनाथ ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, पश्चिम में है, यहाँ चक्रवात बहुत कम आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एयर जो है नियर ए हीट सोर्स गेट हॉट और वो राइज हो जाती है। वो बोल रहा है हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है और उठ जाती है ऊपर। तो जो हवा होती है साइड से वो आके इसका स्थान ले लेती है। इन दिस वे बोल रहा है, इन दिस वे इन विच एयर गेट हीटेड बाई द ऑयल हीटर। तो ये प्रोसेस कौन सी है? तो दोस्तों ये प्रोसेस कौन सी होती है हम सभी जानते हैं, थ्योरी में जब उस टाइम हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था वाटर और एयर ये विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। तो इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? उस टाइम हमने बताया था कि जो कन्वेक्शन मेथड होता है उसके द्वारा इन दोनों में हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये पानी लिया एक बीकर में, आप इस पानी को गर्म कर रहे हैं एक बर्नर लगा के। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो बर्नर के पास वाला जो पानी है वो गर्म होके ऊपर उठ जाता है और साइड का ठंडा पानी इसका स्थान ले लेता है। फिर ये भी गर्म होके ऊपर उठेगा, फिर और साइड से जो पानी होगा इसका स्थान लेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि इस बीकर का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। यही सेम प्रोसेस एयर में भी होती है। तो वाटर और एयर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बुक है वो कहाँ है? वो रेस्ट पे रखी हुई है एक टेबल पे विराम की अवस्था में। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बल के बारे में? मान लो दोस्तों ये टेबल है, इस पे क्या रखी हुई है? इस पे एक बुक रखी हुई है। तो दोस्तों उस पे क्या है? उस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, उस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, लेकिन ये बल जो है एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से संतुलित है, या हम कह सकते हैं बैलेंस में है। क्यों? क्यों? क्योंकि वस्तु क्या है? क्योंकि वस्तु जो है विरामा अवस्था में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? उस पे जो पेयर ऑफ फोर्स है वो बैलेंस है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि इस पे क्या है? एक संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन को चुनो। तो पहला स्टेटमेंट है, जो हस्क है उसको सेपरेट करते हैं किससे? हैबियर सीड ऑफ ग्रेन से, विनोइंग के द्वारा। कह रहा है भारी अनाजों से भूसा ओसाई के द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल जो मिक्सचर में होते हैं उसको सेपरेट कैसे करते हैं? उसको सेपरेट किया जाता है सीविंग और फिल्टरेशन के द्वारा। तो इसमें दे रहा है विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन और निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि प्रेशर इन फ्लूड दैट इज एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में द्रव पे जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है, या लंबवत में दबाव डालता है, या नीचे की ओर दबाव डालता है, या केवल साइड में। तो दोस्तों इसके लिए हमने बताया था कि जो द्रव है उसके भीतर किसी बिंदु पर क्या है? स्वतंत्र तल से जो गहराई होती है उसके समानुपाती होता है, P बराबर HDG होता है। तो स्वतंत्र तल से गहराई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो स्थिर द्रव होता है उसके भीतर किसी बिंदु पर जो दाब होता है, किसी बिंदु पर दाब वो प्रत्येक दिशा में क्या होता है? प्रत्येक दिशा में बराबर बराबर होता है, बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि स्थिर द्रव में क्या होता है? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। इसके लिए मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक सी है और द्रव स्थिर है, तो इस पे जो दाब होगा सब पे समान होगा, सारे पॉइंटों पे, क्योंकि सबकी गहराई सबकी सेम है। तो दोस्तों स्थिर अवस्था में द्रव में क्या होता है? द्रव में जो जो दाब होता है वो क्या करता है? वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अभी हमने बताया कि स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? बराबर होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी बनेगी। दोस्तों इसको हम कई बार बता चुके हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, जितने ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी साइज इमेज की बनेगी, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी किसकी? सेम डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी। तो अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है वो बोल इमेज कैसा होगा? वो लार्जर होगा देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने बताया इसका जो साइज होगा इमेज का वो सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, और इमेज जो बनती है वो सेम डिस्टेंस से बनती है ऑब्जेक्ट के। तो ये सही है, इमेज इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? B, C और D। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ फॉलोइंग इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें जो जाइगोट है, एम्ब्रियो है, पैरामीशियम है, अगर यही अमीबा होता, ये सब क्या है? ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जबकि जो ये मुर्गी का अंडा है ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हेन एग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है कि हमारे जो दैनिक जीवन में
एग्जाम्पल हैं उनको आप पढ़ो और सही स्टेटमेंट का चयन करो। बोल रहा है कि जब फूड खराब होता है भोजन तो वो दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये सही है। एक सेब के टुकड़े को थोड़ी देर कट करके रख देने पर वो कैसा हो जाता है, वो भूरा हो जाता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या है, जब चींटी काटती है तो क्या होता है, कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, जलन को शांत करने के लिए। तो ये बोल रहा है ये सभी केमिकल चेंज हैं, कि ए और बी केमिकल चेंज प्रकट कर रहा है, कि बी की फिजिकल चेंज है, कि ए और बी फिजिकल चेंज है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जब खाना खराब होता है तो ये केमिकल चेंज है, और ये जो स्लाइस है एप्पल की ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होता है इसमें एक एंजाइमेटिक परिवर्तन होता है जिसमें फिनोस का क्यूनोन में परिवर्तन होता है, तो ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा होता है, इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है। और जब चींटी काटती है तो हम कैलामाइन का यूज करते हैं जलन को शांत करने के लिए, यह भी एक केमिकल चेंज है। तो सारे क्या है, केमिकल चेंज है, ऑल आर केमिकल चेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करता है, एयर में जलाता है, उसके बाद उसके रिबन के जलने के बाद जो राख उसकी बचती है, उसके जलने के बाद जो राख बचती है उसे डिसॉल्व करता है डिस्टिल वाटर में, और उसके एक ड्रॉप को, उस सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को किस पे डालता है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे, तो वह क्या ऑब्जर्व करता है। मान लो ये मैग्नीशियम की जो राख है इसको उसने किस में डाला, वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है दोस्तों, ये एक बेस है। अब क्या करेगा दोस्तों, अब वो क्या कर रहा है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर ले रहा है, ब्लू लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। जब वो बेस को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेगा तो उसके चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसको लाल लिटमस पेपर पे डालेगा बेस को, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, तो जो नीला लिटमस पेपर होता है हमारा पहला ऑप्शन है, जो नीला लिटमस पेपर होता है वो कलरलेस है, जबकि लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, नीला लिटमस पेपर नीला ही रहता है, जबकि लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ये नीला हो जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, इसलिए वो जिंक के सॉल्ट से क्या है, जिंक को अलग नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसका बी करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कौन सी ग्रुप है डिजीज का जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और टाइफाइड, ये सभी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये सभी किससे होते हैं, ये सभी वायरस से होते हैं। इसमें से क्या है, इसमें से जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये भी रॉन्ग है। और इसमें चौथे ऑप्शन में ये वायरस के द्वारा हो रहा है, बाकी सभी बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट करेक्ट है, जिसमें सभी किससे, बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मैच कराओ। दोस्तों तो कॉलम ए और ये कॉलम बी है,
एस्परजिलस क्या है दोस्तों? एस्परजिलस एक फंजाई है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड, ए का थर्ड। फिर लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है। इसमें भी बैक्टीरिया दे रखा है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। इसका फोर, इसका भी फोर दे रखा है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है दोस्तों, तो इसमें डी का फाइव दे रखा है, तो ये गलत हो गया है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि बेन के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट, सारी जो बेन होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो दोस्तों ये रॉन्ग है, क्योंकि पल्मोनरी बेन इसका एक्सेप्शन है। ये क्या है? ये शुद्ध ब्लड कैरी करती है, इसमें ऑक्सीजन रिच होता है ये ब्लड, इसलिए ये ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी क्या है? बेन थिन वॉल्ड होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। वेन कैरी क्या करती हैं? ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक, तो ये भी सही है, क्योंकि बेन क्या कैरी करती हैं? सारी बेन मैक्सिमम वो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, केवल पल्मोनरी बेन को छोड़ के। तो सही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बी और सी सही स्टेटमेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस जो कंसीडर किया जाता है, एसेंशियल कंपोनेंट जो है बैलेंस डाइट का ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सेलुलोज के लिए। तो दोस्तों सेलुलोज किसमें होता है? जो जानवर क्या खाते हैं? ग्रास को खाते हैं, उसमें सेलुलोज रिच होती है। ग्रास, ग्रास क्या होती है? सेलुलोज रिच होती है। और जो ग्रास खाते हैं वो सब सेलुलोज का उसमें डाइजेशन होता है दोस्तों। तो किसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है? सेलुलोज का डाइजेशन जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उसमें होता है। ये जल्दी जल्दी भोजन को क्या कर लेते हैं? अपने पेट के एक पार्ट रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। रूमेन में फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, फिर ये कड़ के रूप में उनके माउथ में आता है और एनिमल धीरे धीरे करके उन्हें च्युइंग करते रहते हैं और उनका डाइजेशन होता रहता है। तो दोस्तों ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा कि ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो ज्वाइंट होता है बिटवीन द हेड एंड अपर जा, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो ज्वाइंट जो होता है हेड और अपर जा के बीच में, ये हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है दोस्तों। ज्वाइंट को हमने बहुत अच्छे से थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चुनो। बोल रहा है जो फ्रेश वाटर धरती में स्टोर्ड है वो लेस देन है जो वाटर प्रेजेंट है रिवर और लेक में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। धरती में जो जल है वो विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से अधिक होता है, कम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि वाटर शॉर्टेज क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको केवल ग्रामीण एरिया के लोग ही फेस करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। वाटर की जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज की, वो एक ऐसी समस्या है जिसको ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों का सामना करना पड़ता है, दोनों लोगों को। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि जो खेतों में सिंचाई के लिए जो वाटर होता है उसका एकमात्र सोर्स क्या है? उसका एकमात्र सोर्स नदियों का वाटर है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो सिंचाई के लिए खेतों के वो वाटर क्या है? विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला ऑप्शन है कि जो जल है वो क्या है? वो मूलभूत स्रोत है। किसका जल? जल मूलभूत स्रोत है वर्षा का, तो ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से केवल डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सितंबर 2016 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है दोस्तों। ये सब थ्योरी में अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, आप वहां से जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछिए। धन्यवाद।